सरगुजा ले लगे ग्राम पंचायत बधिया चुका के जंगल मा लगातार कब्जा हुआ थे। ऐसे में ग्रामीण मन मा काफी आक्रोश है। यही कड़ी मा ग्रामीण पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के संग जंगल मा पैदल मुआवना करे बर पहुंची है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हर बताई है कि जंगल के बीचों बीच लगभग 100 एकड़ ले ज्यादा भूमि पर भू माफिया मन के द्वारा कब्जा करे जा चुके हैं। संगे संगे विषय ले कि पूर्व डिप्टी सीएम हां पहले भी वन विभाग के अधिकारी मन ला पत्र लिख के कर जानकारी दिए रही है, लेकिन वन विभाग हां फोटो खींच के बता दिए रही से कि यहां कोई भी कब्जा नहीं किए जाते। जो कलेक्टर ने 2016-17 में अन्य अधिकारियों के साथ सेटल भी किया, उसके आदेश भी हैं, और बावजूद उसके ये स्थिति बनी। मैं बाहर था, दिल्ली में था, तो गांव से खबर आई कि बाबा यहाँ दिक्कत हो रही है, कुछ वन अधिकार पत्र हैं वो हमको अभी तक नहीं मिले हैं, आज़ादी के पहले से जो लोग काबिज हैं उनके वन अधिकार पत्र नहीं मिले हैं, नए लोगों को कुछ वन अधिकार पत्र मिले हैं, कुछ वो भी प्रक्रिया अधूरी है, और कुछ लोग हैं जो खरीद बिक्री भी कर रहे हैं। ये सारी बातें सामने आई कि जो वन अधिकार पत्र मिले हैं उनकी खरीद बिक्री, उनके कब्जे की खरीद बिक्री भी चल रही है। 5 तारीख को सुबह ट्रेन से उतर के हम लोग सीधे बधिया चुहाँ आए, और गांव के लोगों को मैंने बताया भी, समझाया भी कि एक देखिए वनाधिकार पट्टा नहीं है, ये वनाधिकार पत्र है। पट्टा आपको अधिकार देता है खरीद बिक्री का भी, वनाधिकार पत्र में बेचने के अधिकार नहीं है। मामला ये है कि करीब 100 एकड़ से ऊपर का ज़मीन जो अवैध रूप से कब्जा कर रहा किया जा रहा है, और इसमें बड़ा बड़ा पेड़ था, सब कटाई हो गया, और निरंतर गांव वाले शिकायत करते रहे कलेक्टर को भी फॉरेस्ट को भी, लेकिन इसमें कभी कब्जा नहीं रोका गया किसी प्रकार का। गांव में आक्रोशित है कि हम लोग का निस्तारी है और जंगल से निस्तारी है, और जंगल रहने पर हम लोग का आगे भविष्य में हर प्रकार का ऑक्सीजन मिलेगा। उन्हें मौका में पहुंचे वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी ये बात ले साफ इनकार करत नजर आते कि वन विभाग के जमीन ऊपर कोई कब्जा हुए है। बहरहाल अब देखे वाला बात ये हुई कि आखिर वन विभाग भू माफिया ला सह दही या फिर कार्रवाई करही। नए अतिक्रमण जहां इन लोग बोदार के इन लोग शिकायत किए हैं वहां पे अभी जोतकोड़ नहीं किया गया है, ये पूर्व का ही अतिक्रमण है ना, जो लगभग कम से कम 15 साल के आसपास तो हो ही गया होगा, 15 से 20 वर्ष है ना, और नया तो अभी वहाँ पर जोतकोड़ नहीं किए हैं, लेकिन बोदार में ठीक न। और ऐसे यहाँ पर जो ये देखे हमा पानी जो कहते हैं इधर है ना, इसमें कुछ ग्रामीणों का तो पट्टा भी मिला हुआ है, हैं पट्टा के साथ साथ में इनका अगर सही से अगर जांच किया जाए तो सीमांकन के लिए शासन ये कर दे, है ना, सीमांकन हो जाएगा, एक्चुअली पता हो जाएगा कि किसका ज़मीन कितना है, और बाकी जो बढ़े हैं उसको छोड़ दिया जाएगा। सरगुजा ले हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट।